फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, और इतना ही नहीं, सामान्य रूप से कह दिया जाता है इसका लीवर खराब है, इसको खाया पिया हजम नहीं होता, फिर उससे एसिडिटी बनती है, अपचन बनता है, पाइस फिसा फिस्टूला की प्रॉब्लम होती है। तो बड़ी बीमारियों के रूप में कहूँ तो फैटी लीवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, फिर लीवर सिरोसिस बन जाता है, और हेपेटाइटिस किसी भी तरह का हो, हेपेटाइटिस ए बी सी और भी कई, इसके अंदर पूरा कुटुंब है, इसका एक पूरा फैमिली है एक लीवर की बीमारियों, लीवर की बीमारी चाहे जितनी बड़ी हो, आप सबको बोलना लिवोग्रिड खाए, छोटे बच्चे एक एक बड़े दो दो सुबह दोपहर शाम 3 बार, और बहुत सस्ती है, और पानी भी ऊपर से यदि सर्वकल्प का पी लिया उसी से ले लिया तो फिर तो बात ही क्या, इसको अनुपान बोलते हैं आयुर्वेद। और बहुत ज़्यादा पेट गड़बड़ है, पाचन गड़बड़ है, तो खाली पेट लिवोग्रिड एक एक दो दो गोली खाने के बाद लिवामृत, और जिनको लीवर सिरोसिस से पेट पूरा खराब हो चुका है, अब ट्रांसप्लांट की तैयारी है, लीवर ट्रांसप्लांट की 50 लाख से 1 करोड़ तक खर्चा आता है इसके अंदर, और फिर भी नॉर्मल लीवर की तरह आदमी जी नहीं सकता। हाँ, तो आज के बाद किसी को भी लीवर ट्रांसप्लांट ना करना पड़े ऐसा प्रयास कीजिए, और इस पुरुषार्थ में, इस सेवा में, इस आंदोलन अभियान में हमारा सहयोग कीजिए। हम चाहते हैं किसी का भी लीवर ट्रांसप्लांट ना हो, तो आप लोगों को बताइए, जहाँ भी किसी को आप सुने कि इसको फैटी लीवर है, लीवर सिरोसिस है, इसको हेपेटाइटिस है, इसका लीवर कमज़ोर है, उसी को आप सलाह दीजिए कि भाई एक बार लिवोग्रिड खा लो, तो एक बार ये भी तो ट्राई कर लो, और तुमने आड़ कबाड़ बहुत खा रखा है, लोगों की जानें बच जाएंगी, जिंदगियां बच जाएंगी, घर परिवार उजड़ने से बच जाएंगे, बहुत सी माँ बहन बेटियों का सुहाग बच जाएगा, बहुत से बच्चे अनाथ होने से बच जाएंगे, बहुतों के घर परिवार बिकने से बच जाएंगे, लोग घर बेच करके कर्ज ले करके लीवर ट्रांसप्लांट कराते हैं, और फिर भी लीवर मिलता नहीं अक्सर, लीवर मैच करना चाहिए, अपने फैमिली के लोग तो दे सकते हैं, बाहर का डोनेशन आप ऐसे ही नहीं ले सकते, बहुत लंबी चौड़ी इसकी कानूनन प्रक्रिया है, किसी को आप किडनी दान देते हैं, दो हैं तो आप एक किसी को दे सकते हैं, अथवा अपना लीवर का एक हिस्सा 1/4 हिस्सा काट करके दूसरों को चिपकाते हैं, फिर वो भी जिसका कटा वो भी लीवर नॉर्मल हो जाता है, और जिसको लगाया वो भी आगे बढ़ करके नॉर्मल हो जाता है। ये बातें पूरी रिसर्च के साथ हमारे सामने पिछले लगभग 5 साल पहले बड़े रूप में हमने क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल कर लिया, उससे पहले लाभ तो हो रहा था लेकिन उसके एविडेंस हम कलेक्ट नहीं कर पाते थे, इसीलिए हमारे भी कुछ जानने वाले बालक ऐसे हैं जिनका लीवर ट्रांसप्लांट हुआ, काश ये रिसर्च का काम 5 साल पहले हो गया होता ना, तो और हम कितने करोड़ों लोगों को और बेहतर ज़िंदगी दे पाते। खैर, अभी भी कोई देर नहीं हुई है। मैं एक और बात कहता हूँ, जिनका लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है उनके दोबारा उसमें गड़बड़ी आने की संभावना है, क्योंकि इम्यूनो सप्रेशन दे करके और उनको जिंदा रखते हैं, तो वो भी जिनका लीवर किडनी ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे किडनी के पेशेंट जो कैंसर की दवाइयों पर, ऐसे किडनी के पेशेंट जो टीबी की दवाइयों पर है, ऐसे किडनी के पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है, ऐसे किडनी के पेशेंट अभी उनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की लोबत तो नहीं आई लेकिन क्रिएटिनिन बढ़ चुका है, और जिनकी बढ़ने की पूरी संभावना, ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट को किडनी फेलियर के 99% चांसेस, तो वो भी ले लिया करें प्रिकॉशन के तौर पर, एक गोली उठते ही ले ली, इसमें दिक्कत क्या रिनोग्रिड में किडनी के लिए, और लिवोग्रिड जिनका लीवर ट्रांसप्लांट के बाद भी क्योंकि लीवर पर खतरा बना रहता है तो वो भी ले लिया करें। मैं कह रहा था आप गोमुखासन के साथ भस्त्रिका करें, आप एक आसन को मैं 1-2 मिनट से लेकर के 10 मिनट करने के लिए बोलता हूँ, धीरे धीरे करें। लीवर किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में आपको पूरा बता दिया,
लीवर के बारे में बस एक बात और बता देता हूँ, लीवर के रोगियों को आहार के तौर पर यदि बकरी का दूध दिया जाता है उसके रिजल्ट इंस्टेंट आते हैं, और कितने लोगों को हमने मरने से बचा लिया बकरी का दूध पिला करके। किडनी के पेशेंटों को जो का ही प्रयोग करवाते हैं और बहुत एक रिस्ट्रिक्टेड डाइट देते हैं, ये दो खास बातें। Thank you.